हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अभिलाष पारक और आप देख रहे हैं लेखा पुस्तिका। आज हम पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डेफिनेशन और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डेफिनेशन। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिफाइन करना चाहूँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स अ कंपनसेशन गिवन टू द पार्टनर्स फॉर द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय देम टुवर्ड्स द फर्म। In simple words, it is an appropriation of profit between the partners. मतलब profit को distribute करने का एक method है interest on capital. अब question arise होता है कि sir, profit तो partners का ही है, तो interest on capital की जरूरत कहाँ है? What is the importance? तो suppose कीजिए एक partnership firm में चार partner हैं। चारों ने अलग अलग फंड्स कंट्रीब्यूट किए होंगे, लेकिन अगर उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो जिस पार्टनर ने फंड्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है उसको नाराज़गी हो सकती है। अब उस नाराज़गी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज पार्टनरशिप डीड में डाल देते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अलग भी है तो भी कैपिटल का कंपनसेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज पार्टनरशिप डीड में डाल देंगे। तो सर, कैपिटल को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस में फंड्स जनरेट करना, और फंड से क्या क्रिएट होता है, अर्निंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी। फंड्स की वजह से ही हम बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ज़रूरी होता है। समझ में आया? तो अब देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहाँ पे तीन बेसिक कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस क्रिएट होगी इन रेस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला कंडीशन आता है कि अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज ही नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के अनुसार हमको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? मतलब अगर डीड में इंटरेस्ट का क्लॉज नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं देना है। सेकंड कंडीशन, आपके पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज तो है, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के बारे में डीड साइलेंट है। तो इस केस में सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बिजनेस के लिए क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे तीन सिचुएशन क्रिएट होती है। पहला सिचुएशन लॉस का, अगर लॉस है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, मतलब प्रॉफिट ही नहीं है तो इंटरेस्ट काहे का। क्लियर हुआ? सेकंड, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो जो रेट स्पेसिफाइड है उस रेट के हिसाब से आप इंटरेस्ट दे दीजिए। थर्ड केस, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट सफिशिएंट नहीं है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह आप क्या करोगे, प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मतलब यहां पे आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इसीलिए प्रॉफिट को आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो। क्लियर हुआ? लास्ट कंडीशन आती है जहां पे आपके पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि भाई साहब, इंटरेस्ट को एज अ चार्ज ट्रीट करना है। एज अ चार्ज का मतलब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, एज एन एक्सपेंस। इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज इट इज अ चार्ज। और इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस आपको वो इंटरेस्ट देना ही है। समझ में आया? तो अब इन्हीं कंडीशंस पे हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल केस वन पढ़ते हैं अपन। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ 4:3,
with a capital of 3 lakh and 2 lakh. दो partners हैं जिनका आपस में profit and loss ratio 4:3 है. उनका capital कितना दिया हुआ है? 3 lakh और 2 lakh. Pass journal entries for distribution of profit for the year ended 31st March 2020. अब इसमें पहला केस क्या दिया हुआ है? The partnership deed does not provide for interest on capital and the profit before interest is 35,000. मतलब पहले केस में हमारा डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के. तो मैंने क्या समझाया था? अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज नहीं है तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे. तो ये जो प्रॉफिट आया है 35,000 का, इसको हम बिटवीन द पार्टनर्स ए एंड बी उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो सबसे पहले देखते हैं वर्किंग नोट क्या लिखा गया है. इन दिस केस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड एंड द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. तो ए का शेयर कैसे आया? 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/7. बी का शेयर कैसे आया? 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/7, 20,000 एंड 15,000. तो एंट्री क्या पास होगी? सबसे पहली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ था, नेट प्रॉफिट, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे ऑन द लास्ट डेट. एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 35,000. अब इसी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से ये प्रॉफिट का अमाउंट हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. समझ में आया? अमाउंट क्या आएगा? 35,000, 20,000 एंड 15,000. क्लियर हुआ? अब सेकेंड केस में आते हैं. एग्जाम्पल वही है बट यहां पे क्या दिया हुआ है केस टू में? द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 14,000. अब ध्यान दीजिए, क्या डीड में इंटरेस्ट को एज अ चार्ज बोला गया है या सिर्फ इंटरेस्ट का रेट दिया गया है? तो अगर आपको कुछ केस दिख रहा है तो वहां पे दिखेगा इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, तो हम इंटरेस्ट को क्या मानेंगे? अप्रोप्रिएशन. क्या यहां पे आपके पास प्रॉफिट है? नहीं. क्या है? लॉस. तो लॉस को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो वर्किंग नोट देखेंगे, लॉस कितने का है? 14,000. 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/7 कितना आया? 8,000. बी का शेयर कितना आया? 14,000 इंटू 3/7 6,000. अब पिछली बार प्रॉफिट था तो एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इस बार क्या होगा? लॉस. तो लॉस को ट्रांसफर करने के लिए रिवर्स एंट्री पास की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. समझ में आया? अब इस लॉस को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ए और बी में. तो अगली एंट्री क्या बनती है? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 8,000, 6,000 एंड 14,000. क्लियर हुआ? नेक्स्ट थर्ड केस में आते हैं. एग्जाम्पल सेम है, कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 4:3 बिटवीन ए एंड बी. केस थर्ड क्या दे रहा है? द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 51,000. इस बार प्रॉफिट दिया हुआ है तो अब प्रॉफिट भी है, हमको इंटरेस्ट का रेट भी दिया हुआ है, तो हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट भी देना है और प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो पहले हमने क्या किया? इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? 3 लाख का 6% और 2 लाख का 6%. तो 3 लाख का 6% कितना होता है? 18,000. 2 लाख का 6% कितना होता है? 12,000. कितना आया? 18 और 12, 30,000 इंटरेस्ट है. आपका प्रॉफिट कितना है? 51,000. तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट अमाउंट से ज़्यादा है. तो यहाँ पे क्या होगा? पहले आप इंटरेस्ट दोगे,
फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आपको ए और बी में उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, थर्ड केस तक, चाहे वो फर्स्ट केस हो, सेकंड केस हो या थर्ड केस हो, हर केस में हमारा वर्किंग नोट पहले आ रहा है, सॉल्यूशन बाद में आ रहा है। इसका एडवांटेज ये रहता है जब आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो या लेजर प्रिपेयर करते हो, आपके पास हर ट्रांजैक्शन के अमाउंट अवेलेबल होते हैं, तो आपका सॉल्यूशन में कोई भी तरह का काटने की जरूरत नहीं रहती है। क्लियर हुआ? तो अब देखिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना था, 51,000। आपने इंटरेस्ट कितना दिया, 30,000, तो कितना बच गया, 21,000। तो ए का शेयर कैसे आएगा, 21,000 इंटू 4/7, 12,000। बी का शेयर कितना आएगा, 21,000 इंटू 3/7, 9,000। क्लियर हुआ? तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे एंट्री में, प्रॉफिट को ट्रांसफर। एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा 51,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट को एडजस्ट करने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अमाउंट हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, 30,000, 18,000 एंड 12,000। अब रिमाइंडर जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लोजिंग एंट्री। तो पहले हम देखते हैं क्लोजिंग एंट्री को। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 30,000। नेक्स्ट आता है जो रिमाइंडर प्रॉफिट बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल कितना आएगा, 21,000, 12,000 एंड 9,000। क्लियर हुआ? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जैसे ही जर्नल एंट्रीज के पहले वर्किंग नोट बना दिया था तो सारे अमाउंट्स हमको पहले से ही पता थे, बस हमको क्वेश्चन के समय एंट्रीज के साथ वो अमाउंट को पुट अप करना है। क्लियर हुआ? तो जब भी आप अकाउंट्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वर्किंग नोट शुड प्रीसीड योर मेन सॉल्यूशन। ये आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी कर देता है। क्लियर हुआ? अब अगले केस में आते हैं। क्वेश्चन सेम है, केस चेंज हो गया। यहां पे क्या दिया हुआ है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 20,000। इस बार हमने क्या किया, प्रॉफिट अमाउंट को चेंज कर दिया। एनीवे सबसे पहले चेक क्या करना है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा। तो हम इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट कितना हुआ, देखिए ए का इंटरेस्ट 3 लाख का 6% 18,000, बी का इंटरेस्ट 2 लाख का 6% 12,000। टोटल इंटरेस्ट हो गया 30,000। अब आपके पास प्रॉफिट कितना था, 20,000। तो क्या आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट सफिशियंट है इस इंटरेस्ट को देने के लिए, ऑब्वियसली नहीं। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे होगा, जो प्रॉफिट है 20,000 का उसी को आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या हो रहा है, 18:12। तो 6 के टेबल में अगर मैं देखूं तो रेशियो क्या बैठता है, 3:2। मतलब जो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था उसको हम क्या करेंगे, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आया? अगर आपका डीड साइलेंट है और प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इस केस में ए का शेयर कितना आया, 12,000, बी का क्या कितना आया, 8,000। तो अब जनरल एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री वही ट्रांसफर करने की, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 20,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट एडजस्ट करने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल कितना अमाउंट आएगा, 20,000, 12,000 एंड 8,000। लास्ट क्लोजिंग एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। मतलब जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है एज इंटरेस्ट ही हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट केस में आते हैं।
इस बार क्वेश्चन सेम है लेकिन एक चेंज हो गया. चेंज क्या है? द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम एज अ चार्ज. डीड क्या स्पेसिफाई कर रहा है? जो इंटरेस्ट है वो क्या है? चार्ज है. और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 51,000. तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से पहले ही हम इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर प्रॉफिट है वो अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा और उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सर ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन नहीं है, क्या है? चार्ज है. चार्ज मतलब एक्सपेंस. एक्सपेंस कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? सेम 3 लाख का 6%, 2 लाख का 6%, 18,000 एंड 12,000. जो रिमाइंडर प्रॉफिट है 21,000 को उसको हमने 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. क्लियर हुआ? अब एंट्री में आते हैं. तो सबसे पहले देखिए, इंटरेस्ट को एडजस्ट करने की एंट्री आई है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अमाउंट 30,000, 18,000 एंड 12,000. फिर इंटरेस्ट की क्लोजिंग एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इस बार देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो एक्सपेंस है 30,000. अब मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना था? 51,000. हमने इंटरेस्ट कितना दे दिया? 30,000. तो जो रिमाइंडर प्रॉफिट है 21,000 का, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 21,000. ठीक है, अब इस 21,000 को हम ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 21,000, 12,000 एंड 9,000. क्लियर हुआ? अब आते हैं हमारे लास्ट केस में. इसमें देखिए, अब द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम एज अ चार्ज, बट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 16,000. इस बार हमने क्या किया? प्रॉफिट के अमाउंट को कम कर दिया. लेकिन डीड क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज. तो अगर ये अप्रोप्रिएशन होता तो हम क्या करते? 16,000 को ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते. लेकिन इस बार क्या है? ये चार्ज है. तो चार्ज आते ही इंटरेस्ट कंपल्शन बन जाता है. इंटरेस्ट तो देना ही है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो. तो इस केस में सॉल्यूशन कैसे होगा? क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 3 लाख का 6%, 2 लाख का 6%, कितना आया? 18,000 एंड 12,000. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना था? 16,000. इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया? 30,000. तो अब जो 14,000 बचा है वो क्या है? लॉस. क्योंकि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 16,000 से अगर मैं 30,000 माइनस करता हूं तो नेगेटिव वैल्यू आती है. तो अब हम क्या करेंगे? इस 14,000 को ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज अ लॉस. समझ में आया? तो जैसे ही चार्ज आ गया, आपको प्रॉफिट के अमाउंट से कोई मतलब नहीं है. क्लियर हुआ? तो अब सॉल्यूशन में आते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट को एडजस्ट करेंगे. एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. कितना अमाउंट आएगा? 30,000, 18,000 एंड 12,000. नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लोजिंग एंट्री हो गई. फिर अब क्या करेंगे? लॉस को ट्रांसफर करना है. तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. यहाँ पे रिवर्स एंट्री हो जाएगी. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना आएगा? 14,000. अब इस लॉस को हम क्या करेंगे? ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 8,000, 6,000 एंड 14,000. क्लियर हुआ?
ये थे कुछ कंडीशंस एंड सिचुएशंस जिसके हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।